नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर में सचखंड श्री दरबार साहिब के पास हेरिटेज स्ट्रीट पर एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश, पुलिस जांच में जुटी। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने दो हफ्तों तक चले ऑपरेशन के दौरान हथियारों की एक अंतर्राज्यीय गिरोह का किया पर्दाफाश। 18 हथियार, 66 कारतूस और 1.1 किलो हेरोइन की बरामद। अमृतसर के जोड़ा फाटक दशमेश नगर इलाके में एक दामाद ने अपने ससुराल परिवार के घर में घुसकर की तोड़फोड़ और चलाई गोलियां। पुलिस ने मामला किया दर्ज। अरब हलचल विस्तार से। सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब के पास हेरिटेज स्ट्रीट पर एक युवक ने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसे तुरंत अस्पताल में दाखिल करवाया गया जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। तो वहीं युवक ने हाईकोर्ट के जज NS शेखावत, जो कि सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक होने के लिए आए थे, उनके सिक्योरिटी में तैनात ASI की पिस्तौल छीनकर अपने आप को गोली मार दी। वहीं पुलिस इंस्पेक्टर गगनदीप ने बताया कि फिलहाल युवक को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है और उसके द्वारा आत्महत्या की कोशिश की जांच की जा रही है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसरा की रिपोर्ट। गोली जो मिडली कोशिश मुताबिक ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਕੋਲ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਨਮੈਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਡਿਊਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਵੇਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਜੇਰ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਚਲੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰੋਂ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਗਿਰੋਹ ਕਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਆ ਹੈ। ਵਹੀਂ ਸੰਬੰਧ ਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ दो हफ्तों तक चले इस ऑपरेशन के दौरान घिनौनी अपराधों में शामिल 17 खतरनाक अपराधियों को पकड़ा है। इनमें कुख्यात अपराधी कन्नू गुजर, एक बदनाम गैंगस्टर और जग्गू भगवानपुरिया का करीबी साथी व अन्य शामिल हैं। पकड़े गए इन दोषियों के खिलाफ 38 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो वहीं उन्होंने बताया कि पुलिस ने इन कट्टर अपराधियों से नशीले पदार्थों और हथियारों की बड़ी खेप बरामद की है। उन्होंने बताया कि बरामदगी में 18 हथियार, 66 कारतूस और 1.1 किलो हेरोइन शामिल है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। अमृतसर के जोड़ा फाटक दशमेश नगर इलाके में गत साय एक घरेलू विवाद ने भयानक रूप ले लिया, जिसके चलते एक दामाद ने अपने ससुराल परिवार के घर में घुसकर हमला कर दिया और घर में तोड़फोड़ की व गोलियां भी चला दी। इस दौरान परिवार ने भागकर अपनी जान बचाई और जवाबी कार्रवाई करते हुए उन्होंने भी ईंट पत्थर बरसाई। तो वहीं ये सारी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। इस मौके पर पीड़ित परिवार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी बेटी के साथ उनका दामाद बुरी तरह से मारपीट करता है, जिस कारण उनकी बेटी उनके घर में रह रही थी। वहीं उन्होंने कहा कि उनका दामाद उसे लेने के लिए वहाँ आया था, जब उन्होंने अपनी बेटी को उसके साथ भेजने से इनकार कर दिया तो उसने अपने 8 से 10 साथियों को उनके घर में लाकर पहले घर में तोड़फोड़ की, जिसके बाद जब उन्होंने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर ईंट पत्थर और गोलियां चलाना शुरू कर दिया। तो वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये एक पारिवारिक विवाद था। वहीं उन्होंने कहा कि वे मामला दर्ज कर जाँच कर रहे हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਨਨਾਣਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਵੀ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਸਤੌਲ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਪੰਜ ਛੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸੱਤ ਅੱਠ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾਲ, ਇੱਟਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਆਦਾ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਠ ਨੌ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਨਾਲ, ਸਰੋਸ਼ਨ, ਰਾਹੁਲ, ਦਿਨੇਸ਼ੀ ਤੇ ਨੇਪਾਲੀ, ਬੂਹਾ ਖੋਲਦਾ, ਪਰ ਬਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਪੰਜ ਛੇ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ, ਮੁੱਕੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਫਾਇਰ, ਮੁੱਕੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਆਸ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ, ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਮੋਕਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੋਵੀ ਜੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਜੋੜਾ ਫਾਟਕ ਜੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 17 ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਘਰੇਲੂ ਲੜਾਈ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਆਪਸ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਘਰੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਆ ਵੇਖੋ ਅੰਦਰ LEDਾਂ ਤੋੜ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਗਲ ਪੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ 10 ਮੁੰਡੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਨਾਲ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਇਹਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਰਾਹੁਲ ਸਲੋਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਆ, ਵਿਆਹੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਲੜ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਇੰਨੀ ਗੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇੱਟਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਉਤਰਾ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬੰਦੇ 8-10 ਹੈਗੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, 6 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਿਲੇ ਆ ਖੋਲ, 1 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਵੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਉੱਤੇ ਟੈਲਾਂ ਟੁੱਲਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਜੀ, ਰੋਕੀ ਰਾਹੁਲ ਸਲੋਸ਼ਨ ਧੇਲੀ ਸੀਗਾ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਟਰਾਂ ਦਾ ਸੰਨੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ 3-4 ਅੰਨ ਪਤਾਸ਼ੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਵਿੱਕੀ ਨੇਪਾਲੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ 2-4 ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਮੰਗ ਹੀ ਇਹੋ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਲੜਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਨਿਬੇੜੋ ਨਾ ਨਿਬੇੜੋ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ 2 ਵਿਆਹੀਆਂ ਉੱਧਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ, ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਭੰਨਤੀ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਬਾਰੀ ਤੋੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਾਤਰ ਮਾਰੇ ਉਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਾਤਰ ਮਾਰੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਠਾਣੇ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ, ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਆ, ਭੈਣ ਹੁਣ ਠਾਣੇ ਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਕੁਛ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੱਲਵੀ ਹੈ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੋਪੜਾ ਏਲੀਅਸ ਰੋਕੀ ਹੈ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਪੋਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਮਿਲੇ ਆ ਜੀ, 2 ਪੋਲ ਮਿਲੇ ਆ, ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰਸ ਮਿਲੇ। ਸਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰ? ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਂ ਚੋਰੀ ਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲੋਂ ਕੋ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨੇ ਔਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਕਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਆ ਹੈ। ਤੋ ਵਹੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਥੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਂ ਗਿਰੋਹ ਸਕ੍ਰਿਯ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲੋਂ ਕੀ ਚੋਰੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਵੇਚਣੇ ਕਾ ਧੰਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਵਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਕੇ ਆਧਾਰ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨਿਵਾਸੀ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਜਲੰਧਰ ਜੋ ਕਿ
लंबे समय से मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी को घास मंडी चौक से गिरफ्तार किया गया था। वहीं उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी रोहित कुमार ने कबूल किया कि वह चोरी की मोटरसाइकिलें शहर में बेचता था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्क्रैप डीलर सुमित उर्फ शमी को भी गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान स्क्रैप डीलर ने स्वीकार किया कि चोरी की मोटरसाइकिलें जो वह रोहित कुमार से खरीदता था छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर अन्य स्क्रैप डीलरों को बेचता था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने सुमित उर्फ शमी के घर से चोरी की मोटरसाइकिलों के विभिन्न पुर्जे बेचकर कमाए गए 70,000 रुपये बरामद किए हैं। उन्होंने कहा कि मामले की आगे की जांच की जा रही है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। सोडन रोड काली माता मंदिर जालंधर के नजदीक बाइक सवार दो नौजवानों की ओर से एक दुकान पर चोरी करने का मामला सामने आया है। तो वहीं चोरी की ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। नौजवान दुकान के बाहर से एक अटैची उठाकर फरार हो गए। वहीं पीड़ित दुकानदार ने बताया कि पहले भी उसकी दुकान के बाहर से एक मोटरसाइकिल चोरी हो गया था। वहीं उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपील की कि चोरी की वारदातों पर नकेल कसी जाए। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। दुकान का नाम अग्रवाल स्टोर, सोडन काली माता मंदिर रोड। कल 7:30 बजे की गल है जी, तो दुकान के बारों एक अटैची का पीस चक्या गया जिहड़ा कि दिन दिहाड़िया काम हो रहा है, तो यह काम सही नहीं है। प्रशासन वालों थोड़ी जी बेनती की जाती है कि प्रशासन थोड़ा ध्यान दे, इधर पुलिस की जरा गश्त जहाँ बधाई जाए, तो थोड़ा शरारती अंसर के उपर नकेल पाई जाए। जालंधर स्थित देशभगत यादगार हॉल में ट्रेंड्स कंपनी द्वारा आयोजित 4 दिवसीय जालंधर मेगा एक्सपो ने लोगों का ध्यान आकर्षित कर दिया है। इस एक्सपो में विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स पर भारी छूट और खास ऑफर्स मिल रही हैं, जिसके चलते शहरवासी बड़ी संख्या में यहां खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। तो वहीं इस एग्जीबिशन में घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, लाइफस्टाइल, होम डेकोर और अन्य विभिन्न प्रोडक्ट्स के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। यहाँ आने वाले ग्राहकों को उत्पादों की व्यापक रेंज के साथ साथ किफ़ायती दरों पर भी खरीदारी का मौका मिल रहा है। कई प्रोडक्ट्स पर आकर्षक छूट दी जा रही है, जिससे ग्राहकों में खरीदारी के प्रति उत्साह और भी बढ़ गया है। इस मेगा एक्सपो के जनरल मैनेजर पंकज जैन ने बताया कि इस मेगा एक्सपो का आयोजन जालंधर के लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। उनका कहना है कि जालंधर के लोग इस तरह की बड़ी एग्जीबिशन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जहां भी एक ही स्थान पर कई प्रकार के उत्पाद खरीद सकते हैं। इस एक्सपो में हर वर्ग के लोगों के लिए कुछ ना कुछ खास है, जिससे ये एग्जीबिशन सभी के लिए खास बन जाती है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। कस्टमाइज मिलेंगे, जो तुम चाहेंगे मेटल स्टील सब कुछ, बहुत वधिया स्टॉल आ, तो बहुत वधिया एग्जीबिशन है। इतने सारे वध तो वध मिलकर अपनी पार्टिसिपेशन करो, तो जेडे इतने है उन्हों का हौसला है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एवरी। फर्स्ट एग्जीबिशन मैंने इसमें बस ये मेरा ये फर्स्ट एग्जीबिशन है। मैंने इसमें यही सीखा है कि कैसे हमें किस चीज़ में ज़्यादा सेल होगी। एक्चुअली ये मेरी हैंडमेड आइटम्स हैं। मैं चाहती थी इसको लोग देखें और पहचाने कि हैंडमेड आइटम में कितना ही हमारा हार्डवर्क होता है और लोगों तक ये चीज़ पहुँचे। क्योंकि हम जब होलसेल में लेते हैं चीज़ें, जब रिटेल में लेते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ती है हमें। हमने इसलिए ये सोचा कि इसका रॉ मटेरियल लाके हम इसको अपने हैंडमेड से बनाएँ, ताकि लोगों तक सस्ते से सस्ती चीज़ पहुँचाई जा सके और लोगों को हमारा हार्डवर्क भी दिखाई दे। तो इसी यही मेरी वजह थी कि मैं ये एग्जीबिशन में आऊँ। चाहे मुझे पता है मुझे यहाँ पर कोई मेरे मार्जिन भी नहीं निकला यहाँ का स्टॉल का, लेकिन मुझे एक बहुत कुछ सीखने को मिला है और लोगों तक मैंने अपनी चीज़ों को जो पहचान समझाना था वो समझा सकूँ। थैंक यू। देश के जन्मने और प्रमुख एथनिक और इंडो वेस्टर्न वियर ब्रांड लक्षिता ने अमृतसर में अपने नए स्टोर को लॉन्च किया, जिससे रंजीत एवेन्यू में नया स्टोर शहर में पहले से चल रहे 3 स्टोर में शामिल हो जाएगा, जो कि अमृतसर का नेक्सस मॉल, वीआर अमृतसर और लॉरेंस रोड पर स्थित है। ये नया स्टोर लक्षिता के
एक्सक्लूसिव और खूबसूरत डिज़ाइंस को उपलब्ध करवाता है, जिससे पारंपरिक एलिमेंट्स मॉडर्न स्टाइल के साथ फ्यूज़न के साथ पेश किए गए हैं। इस अवसर पर लक्षिता के को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर सज्जन खरबंदा ने बताया कि पंजाब में उनका विस्तार केवल अपनी मौजूदगी बढ़ाने के बारे में नहीं है, ये उस क्षेत्र के साथ एक सार्थक बंधन विकसित करने के बारे में है जो विरासत को कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स के साथ खूबसूरती से जोड़ता है। वहीं उन्होंने कहा कि उनके स्टोर केवल रिटेल आउटलेट से अलग हैं, वे एक्सीलेंस, क्रिएटिविटी और कल्चरल महत्व के प्रति लक्षिता के समर्पण को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि नए स्टोर में कंटेम्प्रेरी डिज़ाइंस के साथ कई अलग कलेक्शंस होंगे जो विभिन्न उम्र के अलग अलग ग्रुप्स को उनकी पसंद के अनुसार गारमेंट्स प्रदान करेंगी। लक्षिता ने क्वालिटी और कारीगरी के प्रति अपने समर्पण को बनाए रखते हुए अपनी पहुँच को गहरा करने के उद्देश्य से पंजाब में और अधिक स्टोर खोलने की योजना बनाई है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील फोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम नाम है ते असी साडा स्टोर खोलिया इत्थे रंजीत एवन्यू विच लक्षदा दे नेम तो, एंड साडे तो विमेन अपैरल विच कपड़े आ एंड इंडियन वेयर फ्यूजन वेयर सब कुछ आ एंड वेरी गुड वैरायटी एंड जिहड़ी क्वालिटी आ साडे क्लोथिंग दी इट्स ग्रेट। सो अमृतसर ले आ बहुत ऑलरेडी स्टोर्स है गया एंड वी आर बिगर एंड बैटर नाउ। ताडे को अलग की है जी दूसरे नाल? साडे तो जिहड़ी क्वालिटी आ ओ बहुत ज़्यादा वधिया कि जिहड़ा कपड़ा ना ओ इन जिन्ने मर्जी तुसी साल यूज़ कर लो ओ उद्दा ही रहूगा, उन्हों कुछ भी नहीं होगा। दिस इज़ आर ब्रांड जिहड़ी ओ साडी वैल्यू आ बहुत वधिया उस चीज़ च। अलग डिजाइनिंग की है ताडे डिजाइनर च विच की हैगा वा ओ दस्सो थोड़ा। साडे तो फ्यूजन वेयर आ, इंडियन वेयर भी आ ते इंडो वैसटर्न भी आ। सो जे तुहानू विआह लई चाहीदा ओ भी मिल जूगा, जे नॉर्मल किट्टी पार्टी ते जाणा ओ भी मिल जूगा, सब कुछ साडे तो हैगा आ, तुहानू किते होर जाण दी लोड़ नहीं आ, सब कुछ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਵੇਅਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਪਾਰਟੀ ਵੇਅਰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਰੇਂਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਰਾਊਂਡ 2000 ਤੋਂ ਐਂਡ ਬੋਟਮਸ ਤਾਂ ਉਤੋਂ ਵੀ 1500 ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਐਂਡ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਬੋਟਮਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਕਸ਼ਤਾ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਡੀ ਬਲੋਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀਰਾਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ। ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸ਼ੋਰੂਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਆ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਟੋਰ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਹਮਾਰੇ 25 ਸਟੋਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ, ਐਂਡ ਲਕਸ਼ਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਲਕਸ਼ਿਤਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ, ਐਂਡ ਲਕਸ਼ਿਤਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਲਕਸ਼ਿਤਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊ ਲਾਂਚ ਦੇ ਲਈ, ਐਂਡ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ? ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵਾਟ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਪਲੇਸ ਆ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਿਤਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਊਟਫਿਟਸ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਆਊਟਫਿਟ ਵੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਾਡਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਮਾਡਰਨ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲਕਸ਼ਿਤਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ। ओरिएंट फैन के डिस्ट्रीब्यूटर अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी जालंधर की तरफ से अपने सभी डीलर भाइयों संग स्थानीय होटल में मीटिंग की गई। इस मीटिंग में ओरिएंट कंपनी की
तरफ से रोहित, दिनेश, गौरव, अमित, नितिन, सैनी, गुरमीत उपस्थित रहे। वहीं रोहित ने ओरिएंट फैन की तरफ से मंच का संचालन किया और ओरिएंट फैन की खूबियों के बारे में सभी को बताया। वहीं डिस्ट्रीब्यूटर अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से सुरेश कुमार, दक्ष अग्रवाल, पलक अग्रवाल को फगवाड़ा गेट इलेक्ट्रिकल डीलर एसोसिएशन की तरफ से प्रधान अमित सहगल, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर सुरेश गुप्ता, चेयरमैन मनोज कपिला, सेक्रेटरी टीएस बेदी, चेयरमैन लीगल सेल अशोक गुप्ता, रतनदीप खालसा, विकी मलिक, लव मलिक, टिमी गुप्ता, सतवीर सिंह लवली, अमित गुलाटी ने डिस्ट्रीब्यूटर सुरेश कुमार की सराहना की और उन्हें सम्मानित भी किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन मैं एक गल कहना चाहूँगा कि कोई भी कंपनी है, कोई भी प्रोडक्ट हैगा वो उन्नी देर तक कामयाब नहीं हो सकता जिन्नी देर तक उसकी सर्विस जी है वो प्रॉपर तुम्हें ना मिले। मेरा ख्याल है कि ओरिएंट इलैक्ट्रिकल जिन्हें भी तुम दुकानदार बैठे हो ओरिएंट इलैक्ट्रिकल की सर्विस तो आप 100% सैटिस्फाइड है। जोरदार ताड़िया पी जी वास्ते ताड़िया। बहुत वधिया बंदे है जी, कभी सानू उन्हें ना नहीं की। प्लीज जोरदार ताड़िया। बेदी साहब ने सारे की तारीफ करती, सारी टीम बहुत वधिया हैगी है। लेकिन साढ़े जिहड़े भरा सुरेश अग्रवाल जी, इन्हों का बहुत बहुत थैंक्स भी है, इन्हों का हार्दिक अभिनंदन भी है जिन्होंने साड़ी इलैक्ट्रिकल एसोसीएशन नूं जिते पूरी इनवाइट किया उत्थे सारे शहर के नाल जुड़े हुए हैं। इन्हों दे वालों साढ़े किसी भी डीलर नूं कोई भी प्रॉब्लम नहीं हैगी। मैं अपनी एसोसीएशन वालों भी सारे इन्हों नूं विश्वास दिवाना वा कि इन्हों नूं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो सुरेश अग्रवाल जी का सारे फगवाड़ा गेट के सारे जिले के जिन्हें भी दुकानदार है बहुत प्यार करते वै तो इदा ही प्यार बना के रखें। जे कि इन्हों वालों प्रॉब्लम आए तो भावे सानू भी आके कह देन तो तभी इनका मसला सोल्व हो जाएगा। ये भरावों के नाल खड़े हुए हैं तो इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। इदा ही साडे नाल जुड़े रहन, इदा ही प्यार बनया रहे, इदा ही इन्हों का व्यापार वधदा रहे। सबसे सुंदर, सबसे टिकाऊ, सबसे आगे दमदार, जानदार और शानदार पंखे ओरिएंट पंखे। जोरदार तालियां भी ओरिएंट पंखे लई। सब तो जानदार, सब तो शानदार, सब तो सुंदर, सब तो टिकाऊ ओरिएंट पंखे। थैंक यू जी। स्टार अस्पताल जालंधर में प्रोक्टोलॉजी के क्षेत्र में उन्नत लेजर तकनीक पर आधारित एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। तो वहीं इस कार्यक्रम का उद्देश्य डॉक्टरों को बवासीर, फिशर, फिस्टुला जैसे रोगों के इलाज के लिए लेजर तकनीक का विशेषज्ञ बनाना था। इस कार्यक्रम के मुख्य प्रशिक्षक और कोर्स डायरेक्टर डॉक्टर जसमीत सिंह आलवालिया ने अपने अनुभव और विशेषज्ञता से प्रतिभागियों को मार्गदर्शन प्रदान किया। वहीं उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य डॉक्टरों को आधुनिक लेजर तकनीक से लैस करना है ताकि वे अपने मरीजों को दर्द रहित और तेज रिकवरी वाला इलाज दे सके। ये तकनीक प्रोक्टोलॉजी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखती है। इस अवसर पर डॉक्टर सतेंद्रजीत सिंह बजाज, जो कि सिविल अस्पताल जालंधर के सर्जरी विभाग के प्रमुख और डीएनपी समन्वयक हैं, और डॉक्टर सरबजीत सिंह PIMS जालंधर में जनरल सर्जरी के एसोसिएट प्रोफेसर ने भी इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वहीं प्रशिक्षण के अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया जिससे वे अपने क्षेत्रों में आधुनिक लेजर तकनीक के साथ उन्नत चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हो सके। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर बलजीत सिंह जौल, मैं सेक्रेटरी IMA पंजाब, इसी मैंबर ASI इंडिया पंजाब तो जिहड़ा अज सैमीनार डॉक्टर जसबीर सिंह आलूवालिया करा रहा है। बहुत अच्छा उपराला आ तां कि जवान बच्चों यंग बच्चों जिहड़े आने वाले समय के सर्जन कंप्लीट हुए आ जां हुणे जिन्हां ने MS की आ जां DNB की आ उन्हां नूं नवीं तकनीक लेजर दे नाल सिखलाई दे रहे हैं जो कि उन्हां दे आने वाले समय के बहुत अच्छा होगा और नवीं तकनीक सीख के अच्छी तरह ऑपरेशन कर सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जसमीत आलूवालिया फ्रॉम स्टार हॉस्पिटल जलंधर। जैसे एक वर्कशॉप कर रहे हैं लेजर पैथोलॉजी यानी लेजर नाल होने वाले ऑपरेशन जिस तरह पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पाइलोनोडल साइनस, वेरिकोस वेंस, ये सब दे अंदर लेजर का बड़ा अच्छा रोल है। पहले बड़े बड़े इंसीजन लगाने पैंदे सीगे, बहुत देर लगदी सी पेशेंट नूं ठीक होने में। लेजर के नाल ही असीं इहनूं बड़ी जल्दी ठीक कर सकते हैं। पेशेंट नैक्सट डे अपना रूटीन काम कर सकते हैं। पेन बहुत घट है, जख्म ना बराबर है, ब्लीडिंग बहुत मिनिमल है और पेशेंट अपनी नॉर्मल रूटीन च इमीडिएटली वापस आ जाता है।
उस करके असं काफ़ी सालों तो यह काम कर रहे हैं। नाउ वी आर द बिगेस्ट सेंटर फॉर लेजर इन जलंधर और डे बाय डे बहुत सारे पेशेंट लेजर करा के अपनी नॉर्मल लाइफ से बड़ी जल्दी वापस आ रहे हैं। माँ भगवती सेवा संघ न्यू जवाहर नगर जालंधर द्वारा आगामी 28 सितंबर को माता की चौकी के उपलक्ष्य में प्रभात फेरी और झंडे की रस्म बड़ी ही धूमधाम से संपन्न हुई। इस आयोजन में श्रद्धालुओं ने माता रानी की भक्ति में डूबकर प्रभात फेरी का आनंद लिया और झंडा चढ़ाने की रस्म पूरी की। तो वहीं इस शुभ अवसर पर श्री देवी तला मंदिर के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, गीता मंदिर मॉडल टाउन के प्रधान विजय खुल्लर, सुरेंद्र खुल्लर, गीता मंदिर के कोषाध्यक्ष अजय लाली, पूर्व विधायक रजिंदर बेरी, नरेश मित्र, राजेश विज, सुरेंद्र सहगल, रजिंदर सहगल, अनिल तिवारी जैसे गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस आयोजन में महिलाओं और बच्चों की भी सक्रिय भागीदारी रही। जसलीन सेठी, रोहन सहगल, किरण अग्रवाल, मितिका, गीतिका गर्ग जैसी प्रमुख महिलाएं भी इस पावन अवसर पर उपस्थित रहीं। वहीं माता की चौकी 28 सितंबर को आयोजित की जाएगी, जिसमें श्रद्धालुओं की विशेष आराधना और भजन संध्या का आयोजन होगा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। नारायण सेवा समिति एवं नारायण संकीर्तन महिला मंडल जालंधर की ओर से 8 दिवसीय श्री राम कथा की शुरुआत विधिवत पूजा अर्चना के साथ सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के श्री राम हॉल में हुई। तो वहीं इस कथा की शुरुआत करते हुए श्री काशी धर्म पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ महाराज जी ने उपस्थित श्री राम भक्तों को सामाजिक बुराइयां त्याग करने, कार्य करने तथा गो सेवा के लिए प्रेरित किया। इससे पहले कथा की शुरुआत दैनिक सवेरा के संयुक्त संपादक सितेश विज, सिद्धार्थ तेज प्रकाश ठाकुर, आप नेता जोगिंदर पाल शर्मा, बिट्टू शर्मा के कर कमलों से ज्योति प्रज्वलित कर की गई, जिसके बाद सितेश विज ने जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ महाराज जी का आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर प्रधान हरेक पांत झा, केशर भगवान दास, पूर्व प्रधान एवं पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी अजय मल्होत्रा, अशोक मेहरा, वेद प्रकाश, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता तेज प्रताप सिंह, अशोक शर्मा व मनोज मिश्रा ने भी शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट।
प्रथम संध्या के ऊपर आप सबका श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी और श्री नारायण सेवा समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत है। आप सब की तरफ से हमारे बीच में कांशी धर्म पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज विराजमान हो चुके हैं। मैं आप सब की तरफ से उनका भी तहे दिल से यहाँ जलंधर नगरी पर पहुंचने पर स्वागत करता हूं। और हमारे बीच में हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री शीतल वीर जी, जो हर वर्ष बहुत ही सालों से प्रथम दिवस की चरणपादुका पूजन करवाकर आज के प्रथम संध्या का शुभारंभ करते हैं। उनको आज किन्हीं कारणों के कारण बाहर जाना पड़ गया, उन्होंने फिर भी अपनी ये जिम्मेवारी समझते हुए मेरे बड़े भाई श्री देशवीर जी की ड्यूटी लगाई कि आप वहां पे आकर आज की प्रथम संध्या के ऊपर चतपाद का पूजन कराकर इस कथा का शुभारंभ करवाना है। मैं आप सबकी तरफ से नारायण सेवा समिति और महिला नारायण संकीर्तन मंडली की तरफ से श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी की तरफ से सुदेश विज जी का और उनके साथ आए हुए सिद्धार्थ जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और निवेदन करूंगा कृपा वो मंच के पास आए, आज की चरणपाद का पूजन का शुभारंभ करेंगे। इनके साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री जोगिंदर पाल शर्मा जी और तेजपाल शर्मा तेजपाल जी ये भी मंच के पास आएंगे और आकर चरणपाद का पूजन का शुभारंभ करवाएंगे। श्री श्री जी और सिद्धार्थ जी, श्री जोगिंदर पाल शर्मा जी तथा सब क्या है सब उन्हें सब लाभ मिल गया, कोई लाभ बाकी नहीं, समर्पण स्थित रहते हैं। इसलिए कई जन्मों के पुण्य के बिना ये मनुष्य का शरीर मिलना और हमें और आप लोगों को यहाँ एकत्र हो जाना इस पवित्र स्थल पर, धर्म स्थल पर, तीर्थ स्थल पर, यह है सामान्य नहीं। कई जन्मों की साधनाएं परिपक्व होने पर यह स्थिति आती है कि हमें आपको मनुष्य का शरीर मिला है और संसार से मुक्त होने की इच्छा हो जाए और राम कथा को श्रवण करने की इच्छा हो जाए, सत्संग करने की इच्छा हो जाए। तो नारायण सेवा समिति के हमारे जितने भी सत्कारकर्ता लोग हैं, हमारे प्रधान झाजी और सभी जितने लोग बैठे हैं, इन सब की इच्छा थी कि राम हाल में इस बार राम कथा का आयोजन रखा जाएगा, राम का चरित्र भी रखा जाएगा, राम के उद्देश्य और राम का लक्ष्य और राम के जीवन का धर्म और राम का संकल्प और राम के जीवन का व्यवहार, उनकी नीति, उनकी प्रीति और उनके स्वार्थ और परमार्थ, सब की एक सीमा बनी हुई है और हर व्यक्ति को अपनी सीमा में रह करके धर्म का कार्य व्यवहार करना है, ये ध्यान रखना जरूरी है। हर व्यक्ति अपनी सीमा में रहे, समुद्र अपनी सीमा में रहे, सूर्य अपनी सीमा में रहे, पृथ्वी अपनी सीमा में रहे, पानी अपनी सीमा में रहे, जल अपनी और वायु अपनी, अग्नि अपनी सब सीमा में रहे, संसार के सभी प्राणी अपनी अपनी सीमा में रह करके अपनी उन्नत करते रहे, व्यवहार करते रहे और परमात्मा की ओर बढ़ते रहे। विश्व के किसी भी कहीं भी धर्म संप्रदायों में नहीं मिले, और ये रामायण किसके लिए है? संपूर्ण विश्व के मानव मात्र के लिए है। रामायण जब प्रारंभ की जा रही है वंदना, उसमें लिखा है वर्णानां अर्थ संघानां रसा मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। श्री सिद्ध बाबा सोडल मिति के उपलक्ष्य में चड्डा बिरादरी की ओर से विशाल लंगर का आयोजन करवाया गया। इस अवसर पर चड्डा बिरादरी के चेयरमैन श्यामलाल चड्डा और
अतुल चड्ढा ने विशेष तौर पर शामिल होकर इस लंगर की शुरुआत करवाई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लंगर ग्रहण किया। इस मौके पर सुनीता बाबा ने बाबा जी के भजनों का गुणगान कर माहौल को भक्तिमय रूप प्रदान किया। तो वहीं बाबा सोडल के इस ऐतिहासिक मेले में बाबा जी के भक्तों द्वारा शामिल होकर बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। निश्चित बाबा सोडल की कृपा के नाल अज 22 सितंबर दिन ऐतवार साडी चड्ढा बरादरी पूरी टीम ने एक बार फिर अज बाबा सोडल का लंगर लाया, जिस लंगर की अगुवाई साडे वड्डे वीर राम किशन चड्ढा जी कर रहे हैं। ये लंगर का शुभारंभ करूंगे, असीं इन्हां नूं बेनती कीती आ लंगर का शुभारंभ अपने हत्थी करन। बाबा सोडल का आशीर्वाद चाहिए। साडी जिहड़ी टीम लंगर कमेटी बनी आ उस शारदा जी भी नाल साडा जुड़े आ। लंगर कमेटी असी बनाई आ, बाबा जी इच्छा हुई, बाबा जी चाहू रहे लंगर हर ऐतवार लगेगा। जेठा ऐतवार साइड हो चुका वा, बाबा जी की कृपा हो गई, मेरे हिसाब से हो ही गई आ। अगले ऐतवार का भी लंगर बुक हो गया वा, शारदा जी कह दिया गया कि अगले ऐतवार कर। और सारे श्रद्धालुओं को बेनती करते हैं बाबा सोनल अज आओ, मत्था टेको, बाबा जी का लंगर खाओ, बाबा जी का आशीर्वाद करो। साढ़े भी काला चड्ढा जी, अतुल चड्ढा जी, अजय चड्ढा जी बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं इन्हों का बड़ा धन्यवाद करता हाँ। लंगर कमेटी चार शाहदा जी ने थोड़ी जा टीम बनाई आ, अजय चड्ढा जी भी आ गए हैं। इन्हों ने अरदास करते हैं कि हर ऐतवार बाबा जी दरबार लाओ, बाबा जी भोग लाओ, सेवा करो। जय बाबा। श्री कालिका धाम ज्योतिष विद्यालय जालंधर में दिव्य ज्ञान दुख निवारण चंडी महायज्ञ किया गया, जिसमें मां महाकाली का दिव्य झूला लगाया गया। इस दौरान दूर दूर से भक्त आकर मां का पूजन एवं हवन यज्ञ में भाग लेकर कष्टों से मुक्ति पा रहे हैं। इस अवसर पर धाम के संस्थापक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य इंद्रदेव बबलू पंडित ने बताया कि हर शनिवार को सायं 6 बजे यज्ञ शुरू होता है। जो भक्त सच्ची श्रद्धा लेकर यहाँ आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। यज्ञ माँ के आदेश से निःशुल्क किया जाता है। इस करवाए गए हवन यज्ञ में इंद्रदेव बबलू पंडित ने आए हुए अतिथियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर धाम के मुख्य सेवादार संजीव शर्मा कुकन, रोहित शर्मा, पंडित संजय, पंडित पंकज, पंडित हरिओम, पंडित सुशील, ज्योतिषाचार्य गौरव सहित असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर जालंधर में साप्ताहिक सत्संग एवं हवन यज्ञ करवाया गया। इस अवसर पर मुख्य यजमान विनय शक्ति भार्गव, अनु शर्मा भार्गव, यशपाल भगत व उषा रानी ने हवन यज्ञ में विशेष आहुतियाँ डाली। इस मौके पर यज्ञ ब्रह्म सुशील आर्य ने पवित्र वेद मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ को संपन्न करवाया। इस दौरान गुरुकुल करतारपुर के प्रधान ध्रुव मित्तल आचार्य, प्रवीण आर्य, ब्रह्म अभिषेक आचार्य व कृष्ण कुमार विशेष रूप से पहुंचे। आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायक सोनू भारती एवं रवि पौडवाल ने भक्ति में भजनों से सभी को मंत्रमुग्ध किया। तो वहीं आर्य समाज के महामंत्री हर्ष लखनपाल ने मंच का संचालन किया। आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने आई हुई संगत का धन्यवाद किया। इस अवसर पर ओम प्रकाश मेहता, भूपेंद्र उपाध्याय, विजय कुमार चावला, चौधरी हरिचंद, सुनीत भाटिया, हजारीलाल शर्मा, नली उपाध्याय, जसविंदर कालिया, वेद प्रकाश भाटिया एवं अन्य शहरवासी भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। अपनी अपनी व्यस्तताओं के कारण हर आदमी अपने अपने फील्ड में चला जाता है। हमारे बाद भी कई आए जिन्होंने इस कॉलोनी का सुधार करने की कोशिश की। इस परिवार से बहुत ही गहरा नाता है हमारा। और भाई यशपाल भगत जी जो कि आर्य समाज शहीद कबीर नगर के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, और वो भी अपने परिवार के साथ यहाँ अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आए हैं। सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ आचार्य जी को, सुशील आदि जी को जो कि मंच पर आसीन है, जिन्होंने चारों वेदों के मंत्रों द्वारा और स्वाहा स्वाहा की आहुतियों द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। बहुत ही
सम्मानीय श्रद्धेय हमारे आर्य हमारे ब्रह्मचारी प्रवीण आर्य जी जो कि हरिद्वार से पतंजलि योग पीठ से हमारे बीच में आए हैं, जोरदार तालियां इनके लिए। ये स्वामी रामदेव जी के सानिध्य में रहकर इन्होंने योग का अध्ययन किया और अभी ये गुरुकुल करतारपुर में रहकर योग विद्या का दान कर रहे हैं, योग विद्या लोगों को सिखा रहे हैं। आपको शारीरिक कष्टों से दूर होना आवश्यक और वो शारीरिक कष्ट योग की साधना, आयुर्वेद की साधना, इनके शरणागत होने से ही आपको प्राप्त हो। पहला सुख निरोगी काया, अगर आपकी काया स्वस्थ है तभी आप ईश्वर के भक्ति में अपने मन को स्थित रख सकते हैं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति की यात्रा को निरंतर जारी रख सकते हैं। बाधाएं आध्यात्मिक उन्नति में सबसे बड़ी है वो है शारीरिक बाधाएं। हमारे जीवन की गाड़ी कब होती है? जब हमारे शरीर में कोई व्याधियां उत्पन्न होती तो सर्वप्रथम हमें आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखो और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आहार, व्यवहार, दिनचर्या और ब्रह्मचर्य, इन सभी को ध्यान पूर्वक आप अपने जीवन में इसका निर्वहन करते हैं, इन नियमों का पालन करते हैं कि हमें कैसे आहार लेना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, अपनी इंद्रियों पर कैसे हम संयम रख करके बहुत प्रकार के दुखों से बच सकते हैं। हमारे मानसिक जो विकार है क्यों उत्पन्न होते हैं? और आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि तुम इन्हें मान सम्मान देता है आज साढ़े जन्मदिन से, खास करके रंजीत आर्य जी जो इस समाज के प्रधान हैं, लखनपाल जी और भूपेंद्र जी और सारी टीम को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है और धन्यवाद है। मैं रंजीत आर्य जी बारे कुछ शब्द कहना चाहूंगा। एक कवि ने लिखा है कि बिना हिम्मत के होते हैं जो शिकवा करते मुकद्दर का। जो लोग कहते रहते हैं कि मेरी किस्मत नहीं, मैं कर नहीं सकता, मेरे हिम्मत नहीं, उस बारे लिखा है कवि ने, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं जीवन दे विच प्रेरणादायक। बिना हिम्मत के होते हैं जो शिकवा करते मुकद्दर का, वरना उतने वाले तो उग जाते हैं सीना चीर कर पत्थर का, और मंजिल के माथे पर लगती है तख्ती उनके नाम की, जो घर से बनाकर चलते हैं नक्शा सफर का, जो घर से बनाकर चलते हैं नक्शा सफर का। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर में सचखंड श्री दरबार साहिब के पास हेरिटेज स्ट्रीट पर एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश, पुलिस जांच में जुटी। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने दो हफ्तों तक चले ऑपरेशन के दौरान हथियारों की एक अंतर्राज्यीय गिरोह का किया पर्दाफाश। 18 हथियार, 66 कारतूस और 1.1 किलो हेरोइन की बरामद। अमृतसर के जोड़ा फाटक दशमेश नगर इलाके में एक दामाद ने अपने ससुराल परिवार के घर में घुसकर की तोड़फोड़ और चलाई गोलियां। पुलिस ने मामला किया दर्ज। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।